नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वी नेचुरल चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में मनोकामना पूरी करने का एक और टोटका शेयर करने वाली हूं। जी हां दोस्तों, मेरे चैनल पर ऑलरेडी आप लोगों को मनोकामना पूर्ति के कई सारे वीडियोज मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इन टोटकों की मदद से पहले भी कई लोगों की हेल्प हो चुकी है, कईयों की मनोकामना पूरी हो चुकी है। इन टोटकों को अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर आपको लिंक मिलेंगे, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे। आप इन वीडियोस को देखिए, इनके कमेंट बॉक्स को देखिए, जिससे आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि जी हाँ, ये टोटके बहुत असरदार है। तो चलिए आज का टोटका स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी हिट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो टोटका है इसमें आपको क्या करना है, ये टोटका आपको करना है बुधवार के दिन। ठीक है, बुधवार के दिन हमें इस टोटके को करना है। क्या करना है हमें, हमें ले लेना है एक सफेद कपड़ा। ठीक है, सफेद कपड़ा आप ले लीजिए। इस सफेद कपड़े में आपको एक हल्दी की गठान लेना है। ठीक है, एक सफेद कपड़ा लेना है, इसमें एक हल्दी की गठान लेना है। साथ में आपको 11 अक्षत लेना है। अक्षत से यहाँ पर मतलब है चावल। ठीक है, चावल कोई से भी आप ले सकते हैं, बस ध्यान रखना है चावल पूरे खड़े चावल होना चाहिए, चावल टूटे हुए बीच में से नहीं होना चाहिए। ठीक है, सफेद कपड़े में हल्दी की गठान ले लेना है, एक हल्दी, सूखी हल्दी, और साथ में 11 अक्षत के कण लेना है। ठीक है, 11 चावल लेना है पूरे वाले। ठीक है, अब इसमें आपको 11 रुपए रख देना है। ठीक है, एक सफेद कपड़ा, एक हल्दी, 11 अक्षत और 11 रुपए। ठीक है, ये आपको रख लेने हैं। अब इस सफेद कपड़े को आपको गठान बांध लेना है। ठीक है, आपको एक पोटली जैसी बना लेनी है। अब आपके घर के आसपास जहां पर भी गजानंद गणपति महाराज का मंदिर है वहां पर आपको जाना है। ठीक है, इस पोटली को लेकर आपको वहीं पर जाना है। अब वहां पर जाके आपको मन ही मन में सबसे पहले तो अपने गणेश जी जो हैं उनसे प्रार्थना करनी है, उनका आह्वान करना है। आपको मन ही मन में 108 बार ओम गं गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना है। चाहे तो आप माला ले जाएं साथ में, 108 बार आप माला से जाप कर लें, या फिर आप अगर गिनती करके कर सकते हैं तो उस तरह से कर लें। ठीक है, पूरे 108 बार जाप कर लें। जाप करने के बाद में आपको क्या करना है, वहां पर आपको गणेश जी को नमन करना है, दोग देना है, अपनी मनोकामना गणेश जी के सामने कहनी है कि हे गजानन गणपति महाराज, मैं जो आपके सामने उपाय कर रही हूँ, जो टोटका कर रही हूँ, ये इस विधि, इस चीज़ के लिए कर रही हूँ, मेरी ये मनोकामना है, आप मेरी इस मनोकामना को जल्द से जल्द पूरी करने की कृपा करें। ऐसा करने के बाद में आपको ये जो आप गठान बनाकर ले गए हैं, सफ़ेद पोटली बनाकर ले गए हैं, ये गणेश जी के ऊपर से आपको 11 बार उतार लेनी है। ठीक है, गणेश जी की जो मूर्ति है उसके ऊपर से आपको 11 बार उतारनी है। 11 बार उतारने के बाद में आप इस पोटली को घर ले आए, और घर में आप इसे ऐसी जगह छुपा दे जहां पर इसे कोई देख ना पाए। ठीक है, आप चाहे तो आपके घर के घर में अगर कोई गमला हो या फिर कोई ऐसी जमीन हो जिसे कोई खोदे ना, वहां पर आप इसे घर के अंदर ही अगर हो वहां पर गाड़ ले, या फिर आपके रूम में कोई ऐसी जगह हो जहां पर कोई किसी की उस पर नजर ना पड़े। ठीक है, यहां तक कि आपकी भी उस पर नजर ना पड़े, ऐसा आपको उसे छुपा देना है। ठीक है, तब तक के लिए छुपाना है जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। ठीक है, आपको क्या करना है, इस कपड़े को, इस पोटली को जब आप मंदिर से ले आएंगे, गणेश जी के ऊपर से 11 बार वार के आप ले आएंगे, उसके बाद में अपने घर में ऐसी जगह इसे छुपा दे जहां पर आपकी भी नजर ना पड़े। ठीक है, तब तक इस पर नजर नहीं पड़नी है जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए, और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तब आप इस पोटली को ले, आपको फिर इस पोटली को किसी कुएं में, किसी नदी में विसर्जित कर देना है, जो भी पानी का स्थान होता है वहां पर आपको इसे डाल देना है। ठीक है, तो ये जो टोटका है ये बहुत ही असरदार है, बहुत ही ज़्यादा असरदार है, और बहुतों के लिए हेल्पफुल रह चुका है। मैं अपने सारे जितने भी टोटके आपके साथ में शेयर करती हूँ, ये एक अनोखी किताब है जिसमें से मैं देख कर आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बोलने के लिए है, ये ज़रूर काम करते हैं, तो आप इसे कीजिए। टोटके करने में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको आपके मन ही मन में पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास होना चाहिए अपने भगवान पर, जिससे आप ये जो प्रार्थना कर रहे हैं उन पे आपको विश्वास होगा, तभी आपका काम पूरा होगा। अगर आपके मन में 0.11% भी अविश्वास है, अगर ऐसा लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, तब ये काम नहीं होगा। आपको अंदर से पॉजिटिव रहना है तो आपके काम जरूर होंगे।
आप इस टोटके को कीजिए अंदर से बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ में कीजिए, पूरे विश्वास के साथ में कीजिए और देखिए आपके काम जरूर हो जाएंगे। और फिर जब आपको रिजल्ट मिल जाए तब आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको रिजल्ट मिल गया है। अगर आपको इस विधि में कोई कंफ्यूजन रहता है, कुछ चीज समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। इसी तरह के और भी कई वीडियोज आप जरूर देखें, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। कोई भी आपकी परेशानी हो आप मुझे कॉमेंट कीजिए, मेरे चैनल पर आपको जरूर उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।